हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिस शैरन रोशन, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल. सो टुडे विल बी लर्निंग चैप्टर 3, कासिया एंड कपिला. चैप्टर का नाम जो है कासिया एंड कपिला, ठीक है. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड कपिला. ही वॉज एन ऑर्फन एंड वॉज वेरी पुअर. कपिला एक लड़का होता है, उसका नाम होता है कपिला. ही वॉज एन ऑर्फन. वो क्या था? अनाथ था. एंड वॉज वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब था. कपिला नाम का जो लड़का था वो क्या था? बहुत गरीब था और ऑर्फन था, वो अनाथ था और प्लस वो बहुत ज़्यादा पुअर था. हैज़ ही हैड नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम, ही वेंट to work for a landlord in the nearby village. He went to work for a landlord in the nearby village. वो अपने घर मालिक के साथ पास ही के गाँव में काम करने जाता था. The landlord had a son, कासिया. उसके landlord जो था, उसका जो घर मालिक था, उसका एक बेटा था, उसका नाम था कासिया. तो देखो, कपिला एंड ये कासिया जो है, ये दोनों लड़कों का नाम है. कासिया एंड कपिला जो है वो दोनों लड़कों का नाम है. कासिया कौन होता है? उसके लैंडलॉर्ड का बेटा. और कपिला जो होता है वो अकेले रहता है, वो ऑर्फन रहता है, अनाथ होता है. द लैंडलॉर्ड वॉज रिच एंड ओन्ड मैनी एकर्स ऑफ लैंड एंड अ बिग हर्ड ऑफ कैटल. क्या हुआ? लैंडलॉर्ड जो होता है बहुत ज़्यादा अमीर होता है, उसके पास बहुत एकर्स की ज़मीन होती है और बहुत ज़्यादा कैटल होते हैं, मतलब गाय भेड़ बकरी, ये सब जो कैटल्स होते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा होते हैं. कासिया वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द कैटल. कासिया, उसका बेटा जो होता है, उसको उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होता है कि वो सारे कैटल्स का ध्यान रखें. The landlord asked Kapila to assist his son. जो owner है, जो landlord है, घर मालिक जो है, उसने क्या बोला कि Kapila से कहा कि तू मेरे बेटे को assist कर, कि ये सारी बातों को, responsibilities को कैसे करते हैं. Very soon they became very good friends. बहुत ही जल्दी क्या होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते. कौन? Kasia and Kapila. Every morning they would take the cattle to the jungle during them. Every morning they would take the cattle to the jungle and bring them back in the evening. वो लोग क्या करते थे? Every morning सारे गाय बकरी जो थे, cattle से उनके पास, उनको वो लोग लेके जाते थे morning में और शाम को फिर से घर लौट कर आते थे. As the cattle grazed in the jungle, Kasia and Kapila would play, sing and enjoy themselves. वो लोग जैसे ही cattle जो है चारा वगैरह खाने जाते थे, ये लोग क्या करते थे? तब तक वो लोग खेलते थे, गाना गाते थे, अपने आप में enjoy करते थे. One day, one of the cows strayed too far away from where the two boys were. एक दिन क्या होता है? One of the cows strayed too far away from the two boys were. एक दिन एक cow जो है काफ़ी दूर, strayed यानी कि moved away from the right path or place unintentionally. मतलब काफ़ी दूर चली जाती है, जो actual path जो होता है, right path होता है, वहाँ से गुजरने के जगह पे वो अलग पाथ पे चली जाती, बहुत फार, बहुत दूर हो जाती है ये लोग जहाँ पे थे वहाँ से. कासिया वेंट इन सर्च ऑफ द काउ. कासिया क्या करता है? वो ढूंढने जाता है. व्हेन ही वाज अवे इट रेन फॉर अ वाइल. जब वो दूर था, थोड़े देर के लिए बारिश हो रही थी. व्हेन ही केम बैक ही सॉ अ स्ट्रेंज थिंग. जब वो लौट के आता है, कासिया जब रिटर्न आता है, वो आता है तो वो एक अजीब सी बातें देखता है, स्ट्रेंज, अलग सी बातें. अ स्नेक हैड स्प्रेड इट्स हुड. हुड यानी कि क्या बच्चों? द फ्लेड नेक ऑफ अ स्नेक. स्नेक जब ऐसा फैल के जब ऐसा रहता है ना, तो फ्लेड नेक कहते हैं उसे.
तो ये जो हुड होता है, कपिल सेड व्हाइल ही वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, कपिल के सिर पे पूरा ऐसा बंधा, आप देख सकते हो ये पिक्चर में दिखाया गया है कैसा स्नेक ने अपना हुड को बांधा है और ऐसा उसका हेड यहाँ पे है। सो कासिया देखता है कि कपिल के हुड पे स्नेक पूरा ऐसा बैठा हुआ है। सो दिस वॉज क्लियर इंडिकेशन दैट कपिला वुड बी किंग वन डे। कासिया सोचता है, बोलता है कि ये क्लियर इंडिकेशन है, इसका मतलब यही है कि एक दिन कासिया जो है, सॉरी एक दिन कपिला जो है वो राजा बनने वाला है। दैट वॉज वॉट पीपल ऑलवेज सेड, लोग भी वैसे भी हमेशा कपिला को यही बोलते थे कि तू एक दिन राजा बनेगा। लेकिन फिर जब ये बातें हुई, जब कासिया ने देखा कि स्नेक पूरा ऐसा उसके हेड पे स्प्रेड करके सा उसको लपेट के उसके हेड पे बैठा है, तो वो भी ये सोचने लगा कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि एक दिन राजा बनेगा। कासिया थॉट टू हिमसेल्फ, कपिला मस्ट बी वेरी टायर्ड। कासिया ने सोचा कि अभी कपिला बहुत ज़्यादा थका हुआ है। He must have worked in the hot sun for a long time. बोलता है कि ज़्यादा धूप में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसीलिए शायद ये थक चुका है। At that moment, the snake turned its head towards कासिया। वो समय में क्या होता है, स्नेक ने अपना मुंडी घुमाया किसके तरफ, कासिया की तरफ। And quietly slithered away. Slithered यानी moved over the ground smoothly. स्नेक ने जो है कासिया को देखा और शांति स्मूथली वो वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। कपिला ऑल्सो वोक अप एट दैट वेरी मोमेंट, कपिला भी उसी समय थोड़े मोमेंट के बाद वो उठ जाता है। कासिया टोल्ड कपिला, डू यू नो यू विल बी द किंग वन डे। कासिया टोल कपिला क्या बोलता है कि तुझे मालूम है कि तू एक दिन किंग बनने वाला है। कपिला सेड डोंट जोक एंड व्हाट टुक यू सच अ लॉन्ग टाइम। कपिला बोलता है कि तू मेरे साथ मजाक मस्ती मत कर, और वैसे भी तुझे इतना टाइम क्यों लगा गाय को जब तू ढूंढने गया था, वो उसे पूछता है। कासिया सेड फ्रेंड आई एम नॉट जोकिंग, आई सॉ अ स्नेक विथ इट्स हुड spread over your head when you were sleeping. You know what people saying. I am sure you will be the king. I want to ask you one thing. Will you remember this friend of yours? वो क्या बोलता है कि देख मेरे दोस्त, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब तू सोया था तो स्नेक पूरा लिपट कर उसका सिर तेरे सिर के ऊपर था, उसने पूरा अपना बॉडी तेरे सिर पे लपट के बैठा था, तो इसका मतलब होता है कि तू किंग होने वाला है बहुत जल्दी, और वैसे भी लोग बोलते ही है कि तू बहुत जल्दी राजा बनने वाला है। तो मुझे एक ही चीज़ तुझसे पूछना है, क्या तुझे मैं याद रहूँगा, क्या तू मुझे याद रखेगा मैं तेरा फ्रेंड हूँ करके। मैं कपिला स्माइल, व्हाट आर यू सेइंग, हाउ कैन आई फॉरगेट माई डियर फ्रेंड। If I become king, as you say, I will surely make you my minister. कपिला हंसते हुए उसे कहता है कि क्या बात कर रहा है तू, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। तू जैसे बोल रहा है कि मैं राजा बनने वाला हूँ, अगर वाकई में अगर मैं राजा बन जाता हूँ तो मैं तुझे अपना मिनिस्टर बनाऊँगा, कपिला डाउटेड वॉट कासिया हैड सेड एंड टुक नो फर्दर इंटरेस्ट इन इट। कपिला ने डाउट किया कि जो कासिया ने बोला था, और आगे जाके उसने उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। एंड वेंट बैक टू हिज वर्क, और फिर से अपने काम को चला गया। वन डे विदाउट इवन सेइंग गुड बाय टू हिज डियरेस्ट फ्रेंड ही लेफ्ट द लैंडलॉर्ड्स। एक दिन क्या होता है, वो अपने फ्रेंड को बिना बताए अपना जो घर है लैंडलॉर्ड वो सारी चीज़ें छोड़कर चले जाता है बिना गुड बाय बोले। सो
ही लेफ्ट द लैंडलॉर्ड्स हाउस वेंट टू पुरी. किधर चला जाता है? पुरी में चला जाता है. पुरी एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है. इन पुरी ही टुक शेल्टर नियर अ टेम्पल. एक घर लेता है मतलब रेंट पे, और वो घर जो शेल्टर होता है वो एक मंदिर के पास में होता है. द किंग ऑफ पुरी चांस्ड टू सी हिम देयर एंड टुक द हैंडसम यंग बॉय होम विथ हिम. उधर क्या होता है, पुरी का जो राजा होता है वो एक ये यंग लड़के को देखता है, बहुत हैंडसम होता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो अपने साथ उस लड़के को अपने घर लेके जाता है. उस राजा का क्या होता है, कोई भी बच्चा नहीं होता है, उसका कोई भी वंश नहीं होता है. तो वो क्या डिसाइड करता है कि आज से ये लड़का जो है वो मेरा लड़का है. When the king grew old, he called his minister's name Kapila as his heir. Heir यानी कि the legal recipient of somebody's property, money or title after that person dies. वो अपने मिनिस्टर को बुलाता है, और जैसे ही वो बूढ़ा होने लगता है, वो किंग जो है पूरी का जो किंग है वो बूढ़ा होने लगता है, तो अपने मिनिस्टर को बुलाता है. मिनिस्टर का नाम क्या था? कपिला. इन हिज हायर. तो वो अपने मरने के बाद अपना सारा जो प्रॉपर्टी था वो कपिला के नाम करने वाला था. एंड आस्क देम टू फिक्स द डेट ऑफ द कोरोनेशन. कोरोनेशन यानी कि एन ऑफिशियल सेरेमनी इन विच अ न्यू किंग और क्वीन इज क्राउन्ड. कोरोनेशन यानी कि ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि इसमें अभी नया राजा या रानी कौन होने वाली है. नियुक्त करते हैं ना, तो उसका वो सेरेमनी होता है, कोरोनेशन सेरेमनी. कपिला बिकेम द किंग एंड केम टू बी नोन एज अ किंग कपिलेंद्र देवा. कपिला जो है वो कुछ ही दिन में राजा बन जाता है, और उसका नाम होता है किंग कपिलेंद्र देवा. द पीपल ऑफ पुरी लाइक्ड हिम. पुरी के जो लोग थे वो सारे लोग उसे पसंद करते थे. एंड वेरी सून हिज फेम स्प्रेड थ्रू आउट हिज किंगडम. बहुत ही जल्दी वो पूरा राज्य मतलब आजू बाजू के किंगडम्स में भी उसका नाम बहुत फेमस हो गया. कासिया ऑल्सो केम टू नो अबाउट हिम एंड वॉज वेरी हैप्पी. कासिया को भी उसके बारे में मालूम पड़ा और बहुत ज़्यादा खुश हो गया जब वो मालूम पड़ा कि वो राजा बन चुका है. ही वेंट टू पुरी टू मीट हिज फ्रेंड. कासिया जो है पुरी में जाता है अपने फ्रेंड को मिलने के लिए. एट दैट पैलेस गेट ही सेड दैट ही वुड लाइक टू मीट द किंग. पैलेस के गेट पे जाता है और फिर वो बोलता है कि आई वुड लाइक टू मीट द किंग. लेकिन द गार्ड्स, वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो लोग हंसने लग जाते हैं. हंसते और क्या बोलते हैं कि देखो कौन मिलना है, चेज्ड हिम अवे, मतलब इसका मजाक उड़ाते कि उसको किंग से मिलना है. तो वो सोचता है अभी मैं क्या करूँ. ही वंडर्ड व्हाट टू डू. द पीपल एट द गेट वुडंट लेट हिम मीट द किंग दिस वे. वहाँ के जो लोग हैं वो उसको अभी के राजा से ऐसा मिलने तो देंगे नहीं. तो वो सोचता है अब मैं क्या करूँ, मुझे तो मिलना है राजा से. What to do? He said to himself, I should draw their attention by doing something which will make them take me to the king. वो सोचता है कि मुझे ऐसा भी कुछ करना होगा जिससे उनका ध्यान जाएगा और ये लोग मुझे किंग के सामने पेश करें. क्योंकि तभी के समय कैसा होता था, कुछ भी गलत करते थे तो उनको पकड़ के डायरेक्टली राजा के सामने पेश किया जाता था. तो वो बोलता है कि मुझे अभी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इनका ध्यान मेरे तरफ भटके और ये लोग मुझे राजा के सामने पेश कर दें. तो वो क्या करता है, वो उस पैलेस के गेट से जंप करता है और भागना चालू करता है. तो वैसे ही गार्ड्स उनको उसको चोर समझ के, वो क्या सोचता है, मैं चोरी के मतलब चोरी करने के जैसा एक्टिंग करूँगा तो फिर इनको लगेगा मैं चोरी कर रहा हूँ. तो गार्ड्स रैन आफ्टर हिम थिंकिंग हिम टू बी थीव. दे टुक हिम टू द किंग. वो लोग ने वैसे ही सोचा कि ये चोर है, इसीलिए उसको पकड़ के वो लोग राजा के सामने लेके जाते हैं. When कासिया saw the king, he ran towards him and said, Kapila, my dear friend, I am so happy to see you as the king. When कासिया saw the king, he ran towards him and said, Kapila, my dear friend, I am so happy to see you as the king. वो बोलता है कि
हे मेरे दोस्त, मैं तुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं ज़्यादा खुश हूँ ये जानकर कि तू राजा बन चुका है। क्या तू मुझे जानता है? डू यू रिकोगनाइज मी? आई एम योर ओल्ड फ्रेंड कासिया। वो बोलता है मैं तेरा पुराना दोस्त हूँ कासिया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड एंड आस्क्ड हिज गार्ड्स टू रिलीज हिम। ही हैड प्रोमिस्ड मेड कासिया हिज मिनिस्टर। जैसे उसने उसके फ्रेंड को प्रॉमिस किया था कि तू जो बातें बोल रहा है वैसा सच होता है तो मैं तुझे अपना मिनिस्टर बनाऊंगा, वैसे ही किंग क्या करता है, अपने फ्रेंड कासिया को उसका मिनिस्टर बनाता है।